नमस्कार, स्वागत है आपका एसटूडे की विशेष रिपोर्ट में। आज हम आपको लेके आए हैं जहां पर ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेड फेयर में शॉपिंग के लिए क्या क्या है और इस ये ट्रेड फेयर जो है वो 20 दिनों तक लगभग यहां लगाया जाएगा और लोग काफी संख्या में यहां पर पहुंचकर शॉपिंग कर रहे हैं। आइए करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। जा रहा है बताएंगे आपकी ट्रेड फेयर में आप घूमने आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बाजार से थोड़ा सा दूर है लेकिन लोग आ रहे हैं और अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं और जैसे कि सामान जो डेली यूज करने वाला जो सामान है वो यहाँ पर काफी मिल रहा है और अच्छे रेट्स में मिल रहा है। महिलाओं के लिए क्या इस बार स्पेशल है? आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ खास है यहाँ पर? स्पेशल तो कुछ नहीं, जैसे लेडीज का क्या सामान होता है, लेडीज का तो यही सामान होता है कि घर के लिए अपने सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें ले। जैसे कि हमारे साथ वो आई हैं, इन्होंने इतना सारा सामान लिया है और ड्राइंग रूम के लिए इतना सारा सामान लिया है, पर्दे हैं, ड्राइंग रूम के कुशंस हैं, पिलोज हैं, पिलो कवर हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छे रेट्स में यहाँ पे मिल रही हैं और अवेलेबल हो रही हैं और लोग आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ट्रेड फेयर जो है हमीरपुर में लगाया जा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा दूर है पर चलो ठीक है ना, खुली जगह है। महिलाओं के लिए क्या इस बार जो है वो ट्रेड फेयर में स्पेशल है? कुछ नहीं है, घर का सामान है सारा, अच्छा लग रहा है थोड़ा। अगर आपको शॉपिंग करने का मौका मिले तो आप अपने घर के लिए क्या सामान लेंगे? यही लिए, पर्दे, पिल्लो कवर, ऐसे ऐसे ले रहे हैं और क्या। और भी यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है तो बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए क्या मनोरंजन के साधन है? बच्चों के कपड़े कुपड़े हैं और क्या, खिलौने हैं थोड़े से, यही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की ट्रेड फेयर जो है वो हर साल होने चाहिए? हाँ ठीक है, पर थोड़ा दूर है ना, ऐसे मार्केट में होता थोड़ा दूर है, पता नहीं अभी लोगों को क्या मिल रहा है। दूर होने के कारण क्या लोग कम आ रहे हैं? हाँ कम आ रहे हैं ना, ये पता नहीं अभी तक लोगों को, हमें भी आज ही लगा पता। हमीरपुर जिला के नदौन में ब्यास पुल के पार 20 दिसंबर तक ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। मेले में एक ही छत के नीचे घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध हो रहा है। घर की हर जरूरत के सामान के लिए आए ट्रेड फेयर नदौन। ट्रेड फेयर में विशेष तौर पर इस बार हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन लाए गए हैं जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में आप पाएंगे घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, चपाती मेकर, क्रॉकरी का सारा सामान। साथ ही आप पाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, अनारकली सूट, दिल्ली व जयपुर की मशहूर कुर्तियां। घर की सजावट के लिए लोगों की डिमांड पर मंगवाया गया है सहारनपुरी फर्नीचर, पर्दे, हैंडलूम, स्टेशनरी की भी है भारी रेंज। ट्रेड फेयर में खाने के लिए व्यंजनों में राजस्थानी व्यंजन, कुल्लू के सिड्डू व मोमो, जलेबी, पकौड़े एवं अन्य कई तरह के पकवान उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए तरह तरह के छोटे बड़े झूले भी ट्रेड फेयर में उपलब्ध हैं, जिससे बच्चे बूढ़े सभी आनंद ले रहे हैं। घर की हर जरूरत के लिए आज ही पधारें ट्रेड फेयर नदौन, नजदीक पटियाल होटल के सामने। ट्रेड फेयर नदौन में लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। जा रहा है बताएंगे आपके ट्रेड फेयर में आप घूमने आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? बाजार से थोड़ा सा दूर है लेकिन लोग आ रहे हैं और अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं और जैसे कि सामान जो डेली यूज करने वाला जो सामान है वो यहाँ पर काफी मिल रहा है और अच्छे रेट्स में मिल रहा है। महिलाओं के लिए क्या इस बार स्पेशल है? आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ खास है यहाँ पर? स्पेशल तो कुछ नहीं, जैसे लेडीज का क्या सामान होता है, लेडीज का तो यही सामान होता है कि घर के लिए अपने सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें ले। जैसे कि हमारे साथ वो आई हैं, इन्होंने इतना सारा सामान लिया है और ड्राइंग रूम के लिए इतना सारा सामान लिया है, पर्दे हैं, ड्राइंग रूम के कुशंस हैं, पिलोज हैं, पिलो कवर हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छे रेट्स में यहाँ पे मिल रही हैं और अवेलेबल हो रही हैं और लोग आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। ट्रेड फेयर जो है हमीरपुर में लगाया जा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा दूर है पर चलो ठीक है ना, खुली जगह है। महिलाओं के लिए क्या इस बार जो है वो ट्रेड फेयर में स्पेशल है? कुछ नहीं है, घर का सामान है सारा, अच्छा लग रहा है थोड़ा। अगर आपको शॉपिंग करने का मौका मिले तो आप अपने घर के लिए क्या सामान लेंगे? यही लिए, पर्दे, पिल्लो कवर, ऐसे ऐसे ले रहे हैं और क्या। और भी यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है तो बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए क्या मनोरंजन के साधन है? बच्चों के भी कपड़े कुपड़े हैं और क्या,
खिलौने हैं थोड़े से, यही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की ट्रेड फेयर जो है वो हर साल होने चाहिए? हाँ ठीक है, फिर थोड़ा दूर है ना, ऐसे मार्केट में होता है, थोड़ा दूर है, पता नहीं अभी लोगों को क्या मिल रहा है, दर्शन दूर होने के कारण क्या लोग कम आ रहे हैं? हाँ कम आ रहे हैं ना, यहाँ पता नहीं अभी तक लोगों को, हमें भी आज ही लगा पता। हमीरपुर जिला के नदौन में ब्यास पुल के पार 20 दिसंबर तक ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। मेले में एक ही छत के नीचे घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध हो रहा है। घर की हर जरूरत के सामान के लिए आए ट्रेड फेयर नदौन। ट्रेड फेयर में विशेष तौर पर इस बार हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन लाए गए हैं जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में आप पाएंगे घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, चपाती मेकर, क्रॉकरी का सारा सामान। साथ ही आप पाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, अनारकली सूट, दिल्ली व जयपुर की मशहूर कुर्तियां। घर की सजावट के लिए लोगों की डिमांड पर मंगवाया गया है सहारनपुरी फर्नीचर, पर्दे, हैंडलूम, स्टेशनरी की भी है भारी रेंज। ट्रेड फेयर में खाने के लिए व्यंजनों में राजस्थानी व्यंजन, कुल्लू के सिड्डू व मोमो, जलेबी, पकौड़े एवं अन्य कई तरह के पकवान उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए तरह तरह के छोटे बड़े झूले भी ट्रेड फेयर में उपलब्ध हैं, जिससे बच्चे बूढ़े सभी आनंद ले रहे हैं। घर की हर जरूरत के लिए आज से पधारे ट्रेड फेयर नदौन, नजदीक पटियाल होटल के सामने। ट्रेड फेयर नदौन में लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। जा रहा है, बताएंगे आपके ट्रेड फेयर में आप घूमने आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? हमीरपुर जिला के नदौन में ब्यास पुल के पार 20 दिसंबर तक ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। मेले में एक ही छत के नीचे घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध हो रहा है। घर की हर जरूरत के सामान के लिए आए ट्रेड फेयर नदौन। ट्रेड फेयर में विशेष तौर पर इस बार हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन लाए गए हैं जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में आप पाएंगे घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, चपाती मेकर, क्रॉकरी का सारा सामान। साथ ही आप पाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, अनारकली सूट, दिल्ली व जयपुर की मशहूर कुर्तियां। घर की सजावट के लिए लोगों की डिमांड पर मंगवाया गया है सहारनपुरी फर्नीचर, पर्दे, हैंडलूम, स्टेशनरी की भी है भारी रेंज। ट्रेड फेयर में खाने के लिए व्यंजनों में राजस्थानी व्यंजन, कुल्लू के सिड्डू व मोमो, जलेबी, पकौड़े एवं अन्य कई तरह के पकवान उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए तरह तरह के छोटे बड़े झूले भी ट्रेड फेयर में उपलब्ध हैं, जिससे बच्चे बूढ़े सभी आनंद ले रहे हैं। घर की हर जरूरत के लिए आज ही पधारें ट्रेड फेयर नदौन, नजदीक पटियाल होटल के सामने। ट्रेड फेयर नदौन में लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। जा रहा है, बताएंगे आपके ट्रेड फेयर में आप घूमने आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? हमीरपुर जिला के नदौन में ब्यास पुल के पार 20 दिसंबर तक ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। मेले में एक ही छत के नीचे घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध हो रहा है। घर की हर जरूरत के सामान के लिए आए ट्रेड फेयर नदौन। ट्रेड फेयर में विशेष तौर पर इस बार हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन लाए गए हैं जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में आप पाएंगे घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, चपाती मेकर, क्रॉकरी का सारा सामान। साथ ही आप पाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, अनारकली सूट, दिल्ली व जयपुर की मशहूर कुर्तियां। घर की सजावट के लिए लोगों की डिमांड पर मंगवाया गया है सहारनपुरी फर्नीचर, पर्दे, हैंडलूम, स्टेशनरी की भी है भारी रेंज। ट्रेड फेयर में खाने के लिए व्यंजनों में राजस्थानी व्यंजन, कुल्लू के सिड्डू व मोमो, जलेबी, पकौड़े एवं अन्य कई तरह के पकवान उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए तरह तरह के छोटे बड़े झूले भी ट्रेड फेयर में उपलब्ध हैं, जिससे बच्चे बूढ़े सभी आनंद ले रहे हैं। घर की हर जरूरत के लिए आज ही पधारे ट्रेड फेयर नदौन, नजदीक पटियाल होटल के सामने। ट्रेड फेयर नदौन में लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं।
हमीरपुर जिला के नदौन में ब्यास पुल के पार 20 दिसंबर तक ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। मेले में एक ही छत के नीचे घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध हो रहा है। घर की हर जरूरत के सामान के लिए आए ट्रेड फेयर नदौन। ट्रेड फेयर में विशेष तौर पर इस बार हिमाचली, दिल्ली व मुंबई के व्यंजन लाए गए हैं जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। ट्रेड फेयर में आप पाएंगे घरेलू उत्पाद, हर्बल हेल्थ केयर, चपाती मेकर, क्रॉकरी का सारा सामान। साथ ही आप पाएंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रेडीमेड पटियाला सूट, भागलपुरी सूट, अनारकली सूट, दिल्ली व जयपुर की मशहूर कुर्तियां। घर की सजावट के लिए लोगों की डिमांड पर मंगवाया गया है सहारनपुरी फर्नीचर, पर्दे, हैंडलूम, स्टेशनरी की भी है भारी रेंज। ट्रेड फेयर में खाने के लिए व्यंजनों में राजस्थानी व्यंजन कुल्लू के सिड्डू व मोमो, जलेबी, पकौड़े एवं अन्य कई तरह के पकवान उपलब्ध हैं। साथ ही बच्चों के लिए तरह तरह के छोटे बड़े झूले भी ट्रेड फेयर में उपलब्ध हैं, जिससे बच्चे बूढ़े सभी आनंद ले रहे हैं। घर की हर जरूरत के लिए आज ही पधारे ट्रेड फेयर नदौन, नजदीक पटियाल होटल के सामने। ट्रेड फेयर नदौन में लोग भी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। हमीरपुर जिला के नदौन में ब्यास पुल के पार 20 दिसंबर तक ट्रेड फेयर लगाया जा रहा है। मेले में एक ही छत के नीचे घर की हर जरूरत का सामान उपलब्ध